गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की ओपन भर्ती के बारे में, जो कि होने वाली है फिरोजपुर कैंट में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस भर्ती की सारी जानकारी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये भर्ती है ARO फिरोजपुर की, तो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस फिरोजपुर की ये भर्ती है। और इसका वेन्यू रहेगा जहाँ पर ये भर्ती होगी, तो भर्ती का वेन्यू रहेगा इसका कैप्टन सुंदर सिंह स्टेडियम फिरोजपुर कैंट। और भर्ती होगी ये 17 सितंबर 2019 से लेके 26 सितंबर 2019 के बीच में। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इस रैली में पार्ट ले सकते हैं। तो इस रैली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट पार्ट लेने वाले हैं उनमें आते हैं भटिंडा, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फिरोजपुर और फजिलका। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इस रैली में पार्ट ले सकते हैं, बाकी और कोई डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इस रैली में पार्ट नहीं ले सकते। और इन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट इस रैली में पार्ट लेना चाहते हैं उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जो है वो ज़रूरी है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट्स ओपन होंगी वो होंगी 19 जुलाई 2019 से, और लास्ट डेट होगी इसका फॉर्म फिलअप करने की 1 सितंबर 2019। तो इसके लिए जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आपको joinindianarmy.nic.in पे जाके इसके लिए रजिस्टर करना होगा। और 19 जुलाई 2019 से लेके 1 सितंबर 2019 के बीच में आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एक और बात बताई गई है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको जो है एफिडेविट बताया गया है कि एक कैरी करना होगा अपने साथ, जो कि इस नोटिफिकेशन के अपेंडिक्स बी में बताया गया है। वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मेट है जो आपको लेके जाना है और वो कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको जो है कौन कौन सी कैटेगरी में पार्ट ले सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड के लिए भर्ती होने वाली है, क्या इतना आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स और एजुकेशन आपकी होनी चाहिए इस रैली में पार्ट लेने के लिए। तो सोल्जर जीडी की अगर बात करें तो जनरल ड्यूटी के लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 21 साल के बीच में, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में आती है तो आप इस रैली में पार्ट ले सकते हैं। और टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो जीडी के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, 50 kg वेट और 77 सेंटीमीटर चेस्ट, और यही सेम क्राइटेरिया टेक्निकल के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी होना चाहिए। अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क के लिए आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर चाहिए, 50 kg वेट और 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। बात करें अब एजुकेशन की तो जीडी के लिए आप 10th पास होने चाहिए, 10th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आपका 10+2 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, और टोटल आपका मिनिमम होना चाहिए 10+2 में 50% और हर एक सब्जेक्ट में 40%। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपका 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होने चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन में 10+2 आप पास होने चाहिए आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम में, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में और हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स। और मैथ्स, अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग, इन तीन में से आपने क्लास 12th में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और उसमें भी आपके 50% मार्क्स जो हैं वो कंपलसरी बताए गए हैं। तो ये था आपका डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड्स में किन किन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। तो सन ऑफ सर्विसमैन जो होंगे या सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अडॉप्टेड सन या सन इन लॉ ऑफ अ वॉर विडो, उनको 2 सेंटीमीटर हाइट में रिलैक्सेशन, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में और 2 kg का वेट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन कैटेगरी से हैं तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 kg का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। जब आपका रैली होगी उसमें सबसे पहले आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, दौड़ होने के बाद आपके पुलअप्स होंगे जिसमें मिनिमम 6 करना जो है कंपलसरी है, उसके बाद आपका 9 फीट का डिच होगा और उसके बाद जिगजैग बैलेंस होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, जितने भी कैंडिडेट्स क्लियर कर जाते हैं उनको एडमिट कार्ड इशू किए जाते हैं रिटन टेस्ट के लिए, और फाइनल स्टेज में आपका होता है रिटन टेस्ट। तो ये है आपका सारा सिलेक्शन प्रोसीजर। अब जब आप रैली साइट पे जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं कौन कौन से लेके जाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो
तो जितने भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं उनके आपको दो अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी साथ में लेके जानी होती है। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ की 20 कॉपीज़, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन, स्कूल कैरेक्टर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, नो क्लेम सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप अगर आपका है तो वो सर्टिफिकेट, एनसीसी अगर आपने रखा हुआ था तो उसका सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स आपका अगर है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एफिडेविट जो 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पे आपको टाइप करवा के लेके जाना होगा, और पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड में से कोई एक। अब बात करते हैं कौन सा फॉर्मेट था जो आपको टाइप करवा के लेके जाना है। तो इसमें आपको अपेंडिक्स बी मिलेगा। इसमें आपका ये जो फॉर्मेट है ये आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेम फॉर्मेट जो है आपको 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पे टाइप करवाना होगा, और ये पूरा टाइप करवा के आपको जब आप रैली साइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको लेके जाना होगा। और ये कंपलसरी बताया गया है कि ये फॉर्मेट जो है आपको लेके आना है। तो ये आप जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस रैली की डाउनलोड करते हैं इसमें भी आपको मिल जाएगा, और अलग से इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी ये दिया हुआ है, वहाँ पे भी जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था इस भर्ती के बारे में, जो कि भर्ती है ARO फिरोजपुर की। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।